पुलिस वालों ने हमें धक्का मुक्की और हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। टिप्पू जी करते हैं धन बल की राजनीति और निवेश की राजनीति। रोजगार के लिए हम अपनी नौकरी के लिए रोजगार के लिए यहाँ आए हैं। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास ओनली दिव्यांगों के लिए नेत्रहीनों के लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए पैसा है उनके पास। ये उनकी कूटनीति कह सकते हैं। तो वैसे चोटें आई है, पुलिस वाले ने ऐसे मारा उसको कि वो तो बेहोशी होगा बेचारा। अपनी बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ से जुड़े लोग एक बार फिर राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया। इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की भी कोशिश करी। पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वह सभी लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। साल 1995 के बाद से लेकर अब तक भर्ती नहीं हुए हैं। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन को धरना देते हुए 274 दिन का वक्त बीत गया है। चुनाव आचार संहिता से पहले भी वह शिमला के माल रोड पर बने रेन शेल्टर में 100 दिनों से भी ज्यादा तक क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। तब भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं आया। अब एक बार फिर मांग उठा रही है कि जल्द से जल्द दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों की बैकलॉग भर्ती को पूरा कर दिया जाए। जी हमने कम से कम 5-6 बार चक्कर जाम कर चुके हम लोग। हमें धरने में बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। हमारे ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी ना मंत्री ना कोई अधिकारी कोई भी हमारी सूट नहीं ले रहा है। चाहे हम वहाँ पे बैठे हैं, चाहे हम चक्कर जाम कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार बोल देती है कि 15 दिन में आपका मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब वो 15 दिन हम भेज जाते हैं अपने शेड के ऊपर शांतिपूर्ण हिसाब से कानून के हिसाब से, उसके बाद सरकार एक जो हम मीटिंग करते हैं उसकी जो एक कॉपी प्रोसीडिंग कॉपी होती है उसको उस कॉपी को लगाने के लिए निकालने के लिए सरकार एक महीना लगा लेती है। उस एक महीने में प्रोसीडिंग की कॉपी में भी अंदर कुछ और आंकड़े आते हैं और हमारे पास कुछ और आंकड़े आते हैं। हमने आदमियों धनीराम शांति जी के साथ मीटिंग की थी, विभागीय सेक्रेटरी उसमें सारे थे। उसमें हमारी तीन ही डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसमें हमारी 174 पोस्टें सरकार ने दिखाई थी, व्हाइट पेपर इश्यू करके दिखाई थी क्लास 4 की 174 पोस्टें। जब प्रदेश में 2.5 महीने के लिए आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद वो 174 पोस्टें गायब हो जाती है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ वो हमारी 174 पोस्टें कहाँ गई। उतने हमारे पास आदमी भी नहीं है जितने सरकार के बाद में हमारा बैकलॉग का कोटा है। 1992 से ही जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टें है ऑल डिपार्टमेंट में भरपूर मात्रा में सरकार के पास बचा हुआ है। उसमें भी सबसे ज्यादा पोस्टें ब्लाइंडों की है, फेक ब्लाइंड तो लग जाते हैं। सरकार सीबीआई जांच करे तो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में 80% जो लोग हैं दृष्टिबाधित वो फ्रॉड है। जो हम रियल ब्लाइंड है वो हमने तो कुछ मिल नहीं पाते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े पैसे दे के मंत्री क्लास सेटिंग करके वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, लेकिन जो हम रियल ब्लाइंड है रियल दृष्टिबाधित है हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कंटिन्यू भी बैठेंगे जी हम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। देखो जी जब से तो आदमी सुक्कू जी सीएम बने हैं मैं तो यही मानता हूँ कि आदमी सुक्कू जी करते हैं धन बल की राजनीति और निवेश की राजनीति। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आदमी जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह थे सबसे पहले तो उन्होंने उनके ही नारा चेंज किया। उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। सुक्कू जी सीएम बनते हैं वो देश के अंदर एक नारा लाते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये कौन सी व्यवस्था है उनकी? फिर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने समस्त दृष्टिबाधित के लिए चाहे वो 40% है चाहे वो 100% है उनके लिए एक मंत्री सारे योजना लगाई थी। और प्रदेश सरकार के जो अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री है आदरणीय सुक्कू जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपए दे दिए और सुखाश्री वाले को 4000 रुपए पेंशन दे दी। लेकिन उन्होंने हमारी पिछले ही हफ्ते पूरे हिमाचल में दिव्यांगों की जो 3000 रुपए
सारा योजना मिलती थी वो भी बंद करा ली। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास ओनली दिव्यांगों के लिए नेत्रहीनों के लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए पैसा है उनके पास। ये उनकी रणनीति है, ये उनकी रणनीति नहीं कह सकते, उनकी कूटनीति कह सकते हैं। इससे उनको डरना चाहिए। अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो अगर आप 10 अच्छे काम करते हैं, अगर एक बुरा काम करते हैं आप, तो उन अच्छे कामों करने का कोई व्यक्ति नहीं बनता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर फैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है हिमाचल की प्रतिभा का। ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए। विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कॉम्पिटिशन की हर अपडेट।